सोलर के क्षेत्र में राजस्थान एक और नई उड़ान भरने जा रहा है। दरअसल सोलर के क्षेत्र में राजस्थान में 1190 मेगावाट की नई यूनिट लगने जा रही है। इसको लेकर गुरुवार को राजधानी जयपुर के एक निजी होटल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में MOU साइन होने वाला है। जानकारी के अनुसार इस MOU में 1190 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम व कोल इंडिया लिमिटेड के मध्य सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा थर्मल पावर प्लांटों में कोयले की बचत व प्रदूषण में कमी करने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सरकारी उपक्रम राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को 2000 मेगावाट सोलर पार्क को विकसित करने का जिम्मा दिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने पुगल तहसील बीकानेर में 4840 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। इस पार्क में 810 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना स्वयं उत्पादन निगम द्वारा स्थापित की जाएगी। 1190 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। इससे राज्य के विद्युत क्षेत्र का विकास होगा व आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक R.K. शर्मा ने बताया कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के थर्मल हाइडल व गैस आधारित विद्युत गृहों द्वारा बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें कोयले पर आधारित 23 थर्मल इकाइयों में से 7580 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़।